इतना बड़ा चूहा, पूरा बिल्ली जैसा। ओदे ओदे ओदे। यहाँ पर गुरुजी मिलता बहुत है, पूरा यहाँ वहाँ दौड़ते रहता है और उसका आवाज पूरा अजीब सा, पूरा चैचे चैचे वाला लगता है अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्लॉग में। बहुत दिन हुआ मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि हॉस्टल में रहने से लेट में उठ रही हूँ और कॉलेज जाने के लिए लेट भी हो जाता है, इसीलिए तो मैं हर दिन ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। सो सॉरी। और आज थोड़ी जल्दी उठी हूँ तो ब्लॉग बना रही हूँ। और सभी कोई तो चले गए, जैसे कि मैं बोली थी हम लोग का हॉस्टल दिखाऊंगी, कॉलेज दिखाऊंगी, कॉलेज में कैसा क्या हो रहा है सब दिखाऊंगी बोल के, पर नहीं हुआ। 5 दिन हुआ, हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा था, हम लोग एग्ज़ाम के लिए ही आए हैं और हम लोग तो रुके भी हैं। बाकी लोग तो एक एक करके पूरे चले गए एग्ज़ाम के, एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ उस दिन भी बाकी लोग चले गए, उसके बाद बाद में चले जा रहे हैं और क्लासरूम पूरा खाली। तो मैं सोच रही थी पहले कि कब तो पूरा लास्ट बेंच तक लोग बैठेंगे और कहीं ना कहीं वो सपना पूरा ही हो गया। एग्जाम में बहुत सारे लोग आए थे, पूरा लास्ट बेंच पूरा भर गया था। और अभी मतलब क्या होता है कि बोलते हैं ना 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरा रात, तो वही वाला सिस्टम हुआ, सब कुछ चले गए और अभी कोई कोई लोग ही है। तो हम लोग का प्रैक्टिकल भी शुरू हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या प्रैक्टिकल, वो टीचिंग का प्रैक्टिकल तो हो गया, टीचिंग प्रैक्टिस तो हो गया है और वो भी चलेगा, लेकिन ये साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल चल रहा है, थ्योरी भी की है प्रैक्टिकल भी। तो आज जिसका जिसका नहीं हुआ है वो लोग प्रैक्टिकल करेंगे, सो मज़ा तो आ रहा है। सो कम स्टूडेंट है और मज़ा आ रहा है, ज़्यादा रहता तो और भी अच्छा लगता। सो ठीक है, आज देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे होता है। सो ये नाश्ता के चक्कर में हम लोग हो गए हैं लेट, 10 बज गया है। देखते हैं मैम घुसे होंगे तो हम लोग को डांटेंगे, लेकिन चलेगा, एक एक दिन लेट करना अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद लेट हो जा रहा है आज, तो ठीक है चलते हैं कॉलेज। एक दिन था ये रास्ता हम लोग को अनजान सा लगता था, लेकिन अभी पूरा जाना पहचाना जैसे कि लगता है हम ही लोगों का एरिया है, बट नहीं है। सो आज तो मौसम बहुत धूप कर रहा है, इधर पूरा बहुत जल्दी धूप करता है और दोपहर तक तो बहुत ही ज्यादा धूप रहता है। चार सिंबल वाला कार्ड है, ठीक है, एक एक का 15-15 होता है और कुल मिलाकर 60 कार्ड है, ठीक है। इसको आता है, इसको कैसा करना, इस पे ये है कलेवर, इस पे डायमंड, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कार्ड ऐसा पकड़ना है, ये कुल मिलाकर 60 कार्ड्स है, ठीक है। एक एक सिंबल का 15-15 कार्ड कुल मिलाकर में डालना है। तो कौन सा सिंबल मिला, तो नेक्स्ट कार्ड फिर से इसी में डालना है। कौन सा सिंबल मिला, नेक्स्ट कार्ड डायमंड में डालना है, ठीक है। ये सिंबल कौन सा आया, इस पे आया, तो इसको नेक्स्ट कार्ड इसमें डालना है। तो फिर से इस पे आया, इसी में डालना है। नेक्स्ट कलर आया है, इस पे आया है। बोलना नहीं चाहिए आपको, केवल लिखना है कितना हुआ है करके, ठीक है। इतना फास्ट करना है, ये जो है उधर का उधर हो जाता है। तो फिर से इसी में से शुरू करना है, पूरा मिला के अभी कंफ्यूजन फिर से निकलता है। ठीक है, ये पूरा मैंने पूरा ऐसा 10 प्रयत्न करना है। 10 प्रयत्न करने के बाद फिर से 5 प्रयत्न उसको घुमा के करना है, शुरू करेंगे। तो पहले आपको एक टेबल डालना है, पहले टेबल डालो, एक प्रयोग करता आता है, जितना समय वो करेगा उतना समय खड़े रहना पड़ता है उनको, पूरा 10 बार डालना है ना, उसी समय तक उसको खड़े रहना पड़ता है। 15 बार होने तक खड़े रहना है, उनका कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे को करना है। मैं 5 बार कर दिया तुम अब करो बाद में मैं करूंगी, ऐसा नहीं होगा, पूरा 15 बार एक ही को करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पैर दर्द हो रहा है, तुम बैठ जाओ मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बीच बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, एक ही बार मैंने, तभी आदत हो जाता है, उसका प्रैक्टिस हो जाता है ना, इसलिए ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। शुरू कीजिए, लोगों का आता है कार्ड खेलना, उल्टा उल्टा
यहाँ पे टेबल कहाँ पे है? किताबें डालो वो टेबल, वन साइन डालना, ये भी काउंट करके डालना है। दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ वो एक डंडा है ना बड़ा सा, उसी के सामने उसका उसका पूंछ दिख रहा होगा। ये भगवान इतना बड़ा, एक्चुअली मैं देख चुकी हूँ इतना बड़ा चूहा, क्योंकि हम लोग जहाँ पर रह रहे थे वहां पर था एक। और ये अपना पूंछ हिला रहा है, ये क्या है, ये क्या है, देख सकते हैं यहाँ इतना बड़ा बड़ा चूहा है। हम लोग जहाँ रूम में रह रहे थे ना वहां पर मैं देखी थी दो चूहा को, और वो एक सीढ़ी में चढ़ गया, एक नीचे उधर भाग गया। तो मैं ऊपर छत को जा रही थी तो मुझे पलट के देख रहा है पूरा, मैं डर ही गई, मैं सोची बिल्ली होगा। उसके बाद जाके देख रही हो तो चूहा है बहुत बड़ा, और यहाँ का चूहा पूरा खसखसा वो खसवाहा जैसे ही है। और अभी भी देख ली वहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारा गंदा सामान सबको रखे है ना, तो वहीं पर ही होगा ये, और इधर खाना वाना फेंकते रहते हैं इसीलिए। और एक बात, यहाँ गुरुची मूसा, यहाँ पर गुरुची मूसा बहुत है, पूरा यहाँ वहाँ दौड़ते रहता है, और उसका आवाज़ पूरा अजीब सा, पूरा चैचै चैचै वाला लगता है। अभी दो दिन हुआ वो नहीं रो रहा है कि नहीं चिल्ला रहा है, नहीं तो पूरा वैसे ही सुनाता है पूरा। उसको सुन के अगर सो के उठे रहेंगे ना तो पूरा गुस्सा आता है उसका आवाज़ सुन के, इतना पूरा जोर से वो रोता है कि हंसता है कि बोलता है क्या पता, मुझे नहीं पता। और देख सकते कितना बड़ा चूहा है यहाँ। मैं आ गई कॉलेज से रूम, और बाकी लोग पहले आ चुके थे, थोड़ा लेट प्रैक्टिकल, कल भी था, कल का वीडियो ली हूँ, आज तो ले नहीं पाई क्योंकि मैं देख रही थी एक जन को कल, जो मुझे देख रहे थे मतलब सामने एक जन को देखना लिखना पड़ता था, तो वही हुआ। तो आज कल ले तो नहीं पाई, पर कल बहुत मज़ा आया, स्टार्टिंग था। और आज एक बात ऐसे हुआ कि आज सबको तो यहाँ उड़ीसा से ही आए हैं ना, तो ऑब्वियसली ओडिया में बात करेंगे ही, जैसे ही ओडिया में बात कर रहे थे शायद सर आके मैं प्रिंसिपल मैम से बोले होंगे कुछ भी, या सुने होंगे ओडिया में बात करते हुए, तो जाने टाइम हम लोग को बुलाएं ऑफिस में, और बोल रहे थे जो भी ओडिया बात करेंगे 100 रुपीज़ फाइन। क्या बोल सकते हैं, अभी सबको हिंदी में बोलना स्टार्ट करेंगे लग रहा है, क्योंकि बोल चुके हैं। और जो जो लोग नहीं हो यहाँ, सबको हर चले गए हैं, तो सुन लो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ अभी मैम बोल दिए हैं जो भी ओडिया में बात करेगा या करेगा 100 रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा। सो केयरफुल रहना, क्योंकि नहीं हो हम लोग को बुला के बोले हैं। सो और क्या बताऊँ, कल का वीडियो डाला प्रैक्टिकल करके साइकोलॉजी का। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।